नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। पूर्व विधायक माहेश्वर सिंह और वर्तमान विधायक सुंदर सिंह ठाकुर में द्वंद युद्ध चला हुआ है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले पूर्व विधायक माहेश्वर सिंह ने सुंदर सिंह ठाकुर पर आरोप लगाए कि वो सभी योजनाओं को जो है विधायक निधि की योजना बता रहे हैं और वो बताए कि विधायक निधि में कितनी योजनाएं होती है और कितने पर काम किया है। उसके बाद सुंदर सिंह ठाकुर ने हिसाब दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है 23 योजनाओं पर काम किया है और जो योजनाएं चालू होने वाली है। उसके बाद उन्होंने ये सवाल पूछा माहेश्वर सिंह से कि वो बताएं कि उन्होंने 45 वर्ष में सांसद और विधायक होते हुए क्या किया और कहां का विधायक निधि और सांसद निधि खर्च की। आज माहेश्वर सिंह फिर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने सुंदर सिंह ठाकुर की बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा हिसाब दिया कि कब कब वे विधायक रहे और कब कब वे सांसद रहे और कितनी सांसद निधि हुई और कितनी खर्च की और कितनी विधायक निधि हुई कितनी खर्च की। लेकिन आज उन्होंने दो बड़े और आरोप सुंदर सिंह ठाकुर पर लगाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर बच्चे हैं और जिस समय वे सांसद थे और विधायक थे उस समय भी वे बच्चे थे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि जब वे विधायक और सांसद थे उस समय जो है सांसद निधि और विधायक निधि होती ही नहीं थी। और उन्होंने कहा कि उनको अपने पिताजी से पूछकर आना चाहिए था कि क्या उस समय सांसद निधि और विधायक निधि होती है। दूसरा बड़ा आरोप उन्होंने ये लगाया कि विधायक जो है अपनी विधायक निधि को होलसेल का डिपो समझ रहे हैं और होलसेल की तरह थोक में जो है सामान खरीद कर ला रहे हैं और जनता में बांट रहे हैं। उन्हें कहा कि ये सरकारी नियमों के तहत नहीं है। उन्हें कहा कि वो पंचायतों से बिल मांगते फिरते हैं कि जो सामान दिया है उसका बिल दीजिए। उन्हें कहा कि बाकायदा इसके टेंडर होते हैं, विधायक सिर्फ अनुशंसा कर सकते हैं, उसके बाद जो है सरकारी एजेंसियां जो है सामान खरीदती हैं या अन्य जो विकास कार्य में सामान लगना है वो सरकारी एजेंसियां टेंडर के माध्यम से करती है। लेकिन विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जो है स्वयं सामान खरीद रहे हैं और बाद में पंचायतों से जो है बिल मांग रहे हैं। आप स्वयं देखिए क्या आरोप लगाए विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने और क्या आरोप लगाए विधायक पूर्व विधायक माहेश्वर सिंह ठाकुर ने। पूर्व में भी विधायक निधि मिलती थी। आज मेरा एकमात्र प्रश्न कुल्लू की जनता पूछ रही है। सभा में मिलते थे, अभी प्रतिभा सिंह जी बनी, उन्होंने मुझे कुल्लू विधानसभा का 30 लाख दिया और 5 लाख और दिया, 35 लाख रुपए दिया अभी उन्होंने बन के सांसद। लेकिन पूर्व में ये सांसद और जो विधायक रहे हैं वो अपने 45 साल का हिसाब पूछेंगे तो बहुत लंबी एक जो है बात बन जाएगी। वो 45 साल का पहले हिसाब दे। उनके वक़्त भी ये प्रावधान था कि महिला मंडल को प्रोत्साहन मान सम्मान राशि दी जा सकती है। पूछिए कि उन्होंने कहाँ डाली और वो पैसा विधायक निधि का कुल्लू शहर में जंजगर के लिए क्यों नहीं दिया, सभी जंजगरों के लिए क्यों नहीं। तो जैसे मैं रूपी सदन बना रहा हूँ, जैसे मैं लग सदन बना रहा हूँ, जैसे खोखन सदन बना रहा हूँ, जैसे कोटकंडी सदन बना रहा हूँ, क्यों नहीं इन भवनों के लिए पैसा दिया, क्यों नहीं जो देवताओं के परिसरों के लिए पैसा दिया जैसा मैं अभी बांट रहा हूँ देवताओं के परिसरों को उभारने के लिए, क्यों नहीं पंचायतों को पैसा दिया गया। मैंने तो सारा लिखा जोखा आपको विद प्रमाण दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और मुझे वो एक मैं तो कहूँगा कि उम्र दराज व्यक्ति है, मैं ज़्यादा उनको कहना भी नहीं चाहता हूँ। वो ऐसी उम्र में जबकि आराम करना चाहिए, नए नौजवान पीढ़ी को आगे देना आने देना चाहिए, वो बेकार की ऐसे प्रश्न खड़ा करके अपने आप पे एक सवालिया निशान लगा। हाँ, क्या था ये जग जाहिर है कि जो 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 महिला मंडल को सम्मान दिया, बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आपको शायद पता नहीं हुआ होगा कि जब शुरू में होलसेल में स्टॉक आया और वहाँ की बिलिंग करने के लिए प्रधानों को बुलाया गया कि बिल दो, क्यों दो, ये तो विभाग का काम होता है, विभाग करे। जैसा मैंने बताया अटल जी का उदाहरण दिया कि अटल जी ने तक कहा था मुझे ऐसा इस प्रकार से, हम देते थे चेक अगर आपके आपको कंप्यूटर भी चाहिए हम कंप्यूटर लेके नहीं दे सकते, वो चेक जाएगा उस स्कूल के प्रिंसिपल को और जाएगा मंडी नोडल एजेंसी के थ्रू, वो टेंडर कॉल करेगा। ये नहीं कि कुर्सी ली मैंने यहाँ पर लाख दो लाख फिर लगा रहे होलसेल में अपना डिपो चलाया, ये नहीं होता।